हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं प्लम और आम शोत्तू की चटनी। इसके लिए हमने यहाँ पे एक बॉक्स प्लम लिया है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए फ्रेंड्स, सारे प्लम को हमने छोटा छोटा काट लिया है। पहले धो लेंगे, फिर इसका बीज निकाल के इसे काट लेंगे। अब चलिए इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। हमने प्लम को मिक्सी के जार में ले लिया है, अब इसे हम पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ हमने एक पैन बिठाया है। अब इसे हम थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, फिर हम और भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें 5 फोरन डाल रहे हैं। देखिए फ्रेंड, 5 फोरन तड़क रहा है, सब बहुत सुंदर स्मेल आ रहा है। अब इसमें हम ये प्लम जिसे हमने पीस के रखा है, इसे हम ऐड करेंगे। प्लम यानी आलू पर, आलू बुखारा। अब इसमें थोड़ा हल्दी, थोड़ा नमक ऐड कर रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे थोड़ा चलाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, इसमें थोड़ा आम शक्तो ऐड करें। आम शक्तो मीन्स आम पापड़। ये मेरा होममेड आम पापड़ है, इसे आप खरीद के भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने काजू और किशमिश लिया है। मैं अब शुगर ऐड कर रही हूँ, 5 to 6 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए। आपको अगर खट्टा मीठा खाना पसंद है तो आप थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा आलू बुखारा बहुत ही खट्टा था, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। इसमें मैंने कोई भी मिर्च ऐड नहीं किया है, आप इसे मिर्च ऐड कर सकते हैं, इसका टेस्ट और अच्छा होगा। चलिए सर्व करके देखते हैं कैसे लगता है। देखिए फ्रेंड, डिलीशियस प्लम चटनी रेडी है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ या किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल जैम की तरह लग रहा है। प्लम ऐसे में खाने में अच्छा नहीं लगता, पर आप इसकी चटनी बना के खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा।
सकते हैं। मैंने इसे हेल्दी बनाने के लिए इसका छिलका भी लिया था, आप चाहे तो इसका छिलका पिल करके भी ले सकते हैं। आप इसे फ्रिज में भी एक दो दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं।